तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आना है एंड अपनी फ़ोटो को आपको सिंपली ऐड कर लेना। अगर आपको ये वाला पिक्सआर्ट एप्लीकेशन चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको ऐड फ़ोटो पे क्लिक करना है एंड सिंपली आपको M6 का यहाँ से मिल जाएगा एक PNG, इसको लेना है एंड इसको फुल साइज़ आपको कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना है ब्लेंड ऑप्शन पे एंड यहाँ से आपको कर देना है मल्टीप्लाई में सिलेक्ट एंड इतना होने बाद आपको ऊपर इरेज का आइकन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड सिंपली सबसे पहले अपने मॉडल पे से आपको कुछ इस प्रकार इरेज करना है। तो हमने कुछ इस प्रकार इरेज कर दिया एंड इसके बाद रिस्टोर वाली ब्रश पे क्लिक कर देना है, हार्डनेस को 100 कर देना है, साइज अपने हिसाब से रख लेना आपको एंड सिंपली आपको बैकग्राउंड में ब्रश को चला देना है कुछ इस प्रकार। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे एंड जितना भी PNG बैकग्राउंड है सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एंड आपको कुछ किसी टाइप का फ़ोटो एडिटिंग बनवाना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सारी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो सिंपली कुछ इस प्रकार हम बैकग्राउंड को फिल कर देते हैं, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड को फिल कर दिया एंड इतना होने बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना है सिंपली टूल्स वाले ऑप्शन पे, ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ब्राइटनेस आप देख सकते हो कुछ इतना परसेंट आपको बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट पे जाना है, कॉन्ट्रास्ट को कुछ इतना परसेंट बढ़ा देना है, क्लैरिटी को आपको बढ़ा देना है 40%, हाईलाइट पे जाना है, हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस कर देना है एंड शेडो को आपको 45 बढ़ा देना है एंड इतना होने बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, सिंपली यहाँ अपना नाम भी आप टाइप कर सकते हो, आप जो भी आपका नाम है आप वो भी लिख सकते हो, तो मैं सिंपली M6 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सिंपली कुछ इस प्रकार आपको लिख लेना है एंड मैं इसको कुछ यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है। सिंपली आप देख सकते हो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है एंड आपको यहाँ से बहुत ही फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, तो मेरे माई फ़ॉन्ट में एक फ़ॉन्ट पड़ा है, मैं सिंपली उस वाले फ़ॉन्ट को ले लूँगा एंड सिंपली कुछ यहाँ पर लगा दूँगा। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सिंपली कुछ इस प्रकार इसको सीधा करूँगा एंड यहाँ पर लगा दूँगा, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। इतना होने बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। उसके बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एफएक्स में आपको चले जाना है एंड आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ से आपको Film 2 या Film 3 आपको मिल जाएगा, तो मैं 3 वाले को सिलेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है एंड इतना होने बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। सिंपली अपनी फोटो को सेव करने के लिए आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर देना है।